नमस्ते, आपको स्वागत करती हूँ। महापुरुष ने कहा है, चार युग में कोई एक पक्षी कोई एक राजा को कुछ बात पूछेगा। सत्य युग, तृतीय युग और द्वापर युग में एक पक्षी कोई एक राजा को कुछ बात पूछा था। इसी तरह महापुरुष अच्युतानंद कह रहे हैं, इस कलयुग में एक पक्षी एक राजा को कुछ बात पूछ रहा है। वो राजा खुद भगवान जगन्नाथ और वो पक्षी गरुड़ और भगवान जगन्नाथ के संवाद को महापुरुष अच्युतानंद योग मार्ग से सब बात सुन रहे हैं और वो सब बात उनकी शिष्य रामदास को महापुरुष सब बात बता रहे हैं। गरुड़ भगवान को पूछ रहा है, हे भगवान, आप कब कल की अवतार लेंगे और हम कैसे जानेंगे आप कल की अवतार ले चुके हैं, और क्या क्या संकेत दिखेगा तो हम जानेंगे आप कल की अवतार ले चुके हैं, और आप क्या क्या लीलाएं करेंगे। भगवान कह रहे, हे गरुड़, जब तुम देखोगे मेरे श्री मंदिर की गुंबद से पत्थर गिरेगा, एक बार नहीं बार बार पत्थर गिरेगा, और मेरे नीलचक्र पवन से बक्र हो जाएगा, और मेरे रत्न सिंहासन पर खून गिरेगा, और मेरे कल्प वृक्ष छेदन होगा। यह सब संकेत जब तुम देखोगे तो तुम जान लेना मैं इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ। हर युग में अधर्म को विनाश करके धर्म को स्थापन किया हूँ, इसी तरह इस कलयुग में भी धर्म को स्थापन करूँगा। मलेच्छों का संहार करके और सारे विश्व में सनातन धर्म को स्थापन करूँगा। महापुरुष अच्युतानंद उनकी शिष्य रामदास को कह रहे हैं, इस कलयुग में लोग अपनी देश की संस्कृति को भूल जाएंगे। जिस संस्कृति सब संस्कृति के ऊपर, हमारा सनातन संस्कृति को भूल जाएंगे, क्योंकि यह हमारा संस्कृति वेद से आया है, जिस वेद को ऋषि मुनि गण लिखे हैं, यानी हमारा संस्कृति ऋषि मुनियों के संस्कृति। इस सनातन संस्कृति को इस कलयुग में लोग भूल जाएंगे और पश्चिमी देशों के संस्कृति को अपनाएंगे। इसलिए भगवान गरुड़ को कह रहे हैं, मैं जब कल की अवतार लूंगा तब मलेच्छों को संहार करके सनातन धर्म को स्थापन करूंगा। और भगवान गरुड़ को कह रहे हैं, हे गरुड़, इस संसार में 56 कोटि जीव, 33 कोटि देवता और 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि के मध्य में 20 लाख स्थल भाग के जीव है, 9 लाख जलचर प्राणी है, विभिन्न प्रकार कीड़े 11 लाख प्रजाति है, 10 लाख पक्षी जीव जंतु 30 लाख प्रकार है और 4 लाख प्रकार बान है। इस 84 योनि के बीच में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह इस पृथ्वी में 7 खंड द्वीप समूह है, उस 7 द्वीप समूह में जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है और जम्बू द्वीप में भारत सर्वश्रेष्ठ है। महापुरुष कह रहे हैं, इसी तरह द्वापर युग में भी उद्धव भगवान श्री कृष्ण को कुछ पूछ रहा है। उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच में कलयुग के बारे में एक संवाद हुआ था। उद्धव पूछा था है, हे भगवान, आप कल की अवतार कहाँ पर लेंगे और आप कौन सी परिवार में जन्म और आपके क्या लीलाएं होंगे। और भगवान उद्धव को कहा था, हे उद्धव, तुम जानना चाहते हो मैं कलयुग में कहाँ पर जन्म लूंगा, तो सुनो, मैं उस जगह में जन्म लूंगा जहाँ पर 8 पर्वतमाला होंगे और उस जगह के चारों दिशा में भगवान शिव के मंदिर होंगे और उत्तर दिशा में गुप्त गंगा और जमुना बह गए होंगे और उस जगह का नाम अमरावती कटक। महापुरुष अच्युतानंद कह रहे, उन 8 पर्वत के नाम क्या क्या है। मानी नाग पर्वत, द्वितीय में जलौका पर्वत, तृतीय में गोवर्धन पर्वत, चतुर्थ में हिमगिरी पर्वत, पंचम में नीलगिरी पर्वत, षष्ठ में कालागिरी पर्वत जो छतिया बट में है, सप्तम में डालिम पर्वत और अंतिम में गुप्त गिरी या धनिया गिरी नाम से परिचित है। द्वापर युग के अंत में उस धनिया गिरी में धर्मराज युधिष्ठिर सारे धन छुपा के स्वर्ग को चले गए थे। इस कलयुग के लिए जब भगवान कल की अवतार लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें।